बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा आज का मौजू दुआ के हवाले से है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने मसाइल के हल के लिए मुकद्दस मुकामात पर मौजूद हमारे बुज़ुर्गों और सिलसिला के लाखों मेंबरान से हर जुमे को अपने लिए खसूसी दुआ कैसे करवा सकते हैं। हमारे रूहानी नेटवर्क में दुआ प्रोग्राम के नाम से मुतारिफ करवाई जाने वाली दुआ में हर जुमे को पूरी दुनिया से बेशुमार अफराद दुआ करवाते हैं, जैसा कि रिश्ते की बंदिश, बे औलादी, पसंद की शादी में रुकावट, बेरोज़गारी, घरेलू लड़ाई झगड़े, तालीमी नाकामी, नाफरमान औलाद, ख्वातीन की सेहत के मसाइल, डिप्रेशन, दर्द शिकीका, हाई ब्लड प्रेशर, नफ्सियाती और रूहानी अमराज, सहर व असेब, बंदिश, कारोबारी नुकसानात, सफ़र में रुकावट, जानी और माली नुकसानात, दुश्मन और हासदीन के करवाए गए बद अमलियात से होने वाले नुकसानात या दीगर मसाइले ज़िंदगी से निजात के लिए मुकद्दस मुकामात पर हमारे बुज़ुर्ग उनके लिए अल्लाह के हजूर खसूसी दुआ फरमाते हैं, जिसका तरीका ये होता है कि उन सब अफराद को ख़ास रूहानी कुलियात से उनके नाम के आदात के मुताबिक इसमें आज़म दिया जाता है, जिसे वो पूरा हफ्ता तलावत करने के बाद अपना नाम, वालदा का नाम, मसला और टोटल तलावत करदा जिक्र इसमें आज़म कुली इख्तियारात के साथ हमें बरोज़ जुमेरात वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पर दुआ करवाने के लिए SMS करते हैं। इसी तरह हर जुमेरात को हमें लाखों अफराद का अरबों खरबों की तादाद में तलावत करदा जिक्र इसमें आज़म मौसूल होता है, जिसे बरोज़ जुमा सिलसिला के बुज़ुर्गों को मुकद्दस मुकामात पर दुआ के लिए अरसाल कर दिया जाता है। उन सब अफराद में से किसी ने अपना इसमें आज़म 1000 बार तलावत करके SMS किया होता है और किसी ने 10000 मरतबा, मगर जब उनका मखसूस तादाद में तलावत करदा जिक्र इसमें आज़म अरबों खरबों की तादाद में शामिल होकर अल्लाह के हजूर पेश होता है, तो इसी बिना पर उन सब अफराद की दुआएं बहुत जल्द कबूलियत का दर्जा पा लेती हैं। हमने दुआ प्रोग्राम में होने वाली दुआ में बेशुमार करामात होती देखी हैं, ला इलाज बीमारियों से लोगों को शिफा मिलते देखा है, जिन रिश्तों में ख्वाह किसी भी वजह से नफरत थी उनमें फिर से मोहब्बत पैदा होते देखा है, कारोबार में हैरान कुन कामयाबियाँ और फाकाकशी में मुब्तला अफराद को भी रिस्क मिलते देखा है, लड़के लड़कियों के रिश्ते में आसानियां और हर किस्म के दुश्मनों और हासदीन के हसद को ख़त्म होते देखा है, बे औलादों को औलाद की नेमत अता होते देखा है। अलगर्ज़ इस दुआ में सालहा साल से लोग शिरकत करते आ रहे हैं, उन सब ने इस दुआ का फैज़ पाया। नाजरीन, अगर आप भी हमारे दुआ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इसमें आज़म हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसमें आज़म फॉर्म को पुर करके हमें अरसाल करें। इंशाल्लाह 24 से 48 घंटों में आपको आपके नाम का इसमें आज़म ईमेल कर दिया जाएगा। आप अपने नाम का इसमें आज़म रोज़ाना दी गई तादाद के मुताबिक तलावत करें और बरोज़ जुमा अदा होने वाली दुआ में अपने लिए दुआ करवाने के लिए अपना नाम, वालदा का नाम, मसला और तलावत करदा जिक्र इसमें आज़म डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पर बरोज़ जुमेरात रात 8 बजे से पहले पहले SMS करें। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आइंदा अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद रूहानी मसाइल के हल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.pray.net.pk पर विज़िट भी कर सकते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े में आपकी हर जायज़ दुआ को कबूल व मंजूर फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।